24 अगस्त को भारत और AIIB ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए $500 मिलियन के लोन पर करार किया। बर्बाद हो जाएगा उद्धव ठाकरे, चूर चूर हो जाएगा उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी। अगर किसी के खिलाफ कुछ किसान हो, आप कह रहे हैं ये राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, ये किसान नहीं है, राजनीतिक दल के नेता खड़े हैं वहां पर। मैं पूछता हूं कि कंगना का ऑफिस तो तोड़ दिया, आतंकी दाऊद की इमारत कब तोड़ी जाएगी? देश में कुछ मुद्दे आम जनता से ताल्लुक रखते हैं और देश में कुछ मुद्दे मीडिया के लिए सिर्फ TRP का जरिया बन गए हैं। कुछ मीडिया एंकर हैं जिनकी डिबेट को लाखों लोग देखना पसंद करते हैं। आज हम उन्हीं के पिछले हफ्ते की डिबेट देखेंगे और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में अहमियत दी। पहले बात करते हैं NDTV के वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों को तवज्जो दी। पहला, अर्थव्यवस्था का बायोस्कोप, GDP को छोड़िए, जेब में देखिए। दूसरा, अफीम की पूंजी और मुंबई का इतिहास। तीसरा, नौकरी से हुए बेसहारा, पेंशन फंड का सहारा। चौथा, भारत चीन तनाव का एक और दौर शुरू। और पांचवा, बेरोजगार करे तो क्या करे। रवीश अक्सर वो मुद्दे उठाते हैं जो मेनस्ट्रीम मीडिया में नहीं उठते। इस बार भी उन्होंने अपने शो में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें भारत ने हाल ही में बाहरी देशों से कितना कर्ज लिया है इसकी जानकारी भी दी। GDP सिकुड़ गई है, उसका कितना हिस्सा कर्ज के रूप में सरकार ले सकती है ये बहुत जरूरी है जानना। बाइस्कोप में लोन से जुड़ी खबरें हैं। 24 अगस्त को भारत और AIIB ने मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट के लिए $500 मिलियन के लोन पर करार किया। 7 जुलाई की खबर है कि विश्व बैंक ने नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए $400 मिलियन के कर्जे को मंजूरी दी है। 19 जून की खबर है कि फ्रांस ने COVID-19 से लड़ने के लिए भारत को 200 मिलियन यूरो कर्ज देने का वादा किया है। 28 अगस्त की खबर है कि भारत एशियन डेवलपमेंट बैंक से $1.5 अरब का कर्जा लेगा, करार पर दस्तखत हो गए हैं। भारत ने पहले भी कर्ज लिए हैं COVID-19 के पहले। अगर भारत का कर्ज GDP का 80% हो जाए या उससे अधिक हो जाए तो इसका असर क्या होगा आम जनजीवन पर, देश की अर्थव्यवस्था पर? क्या GDP के अनुपात में हम कुछ भी या कितना भी कर्ज ले सकते हैं? अब बात करते हैं News24 के वरिष्ठ पत्रकार संदीप चौधरी की। संदीप भी अपनी डिबेट के जरिए कई अहम मुद्दों पर सरकार से सवाल करते हैं। इसके अलावा उनका एक वीडियो काफी चर्चा में है जिसमें वह अर्नब के उद्धव सरकार को ललकारने पर तंज कस रहे हैं। मीडिया भी इस पूरी कहानी में कूद पड़ा है। अब एंकर से बाहें ऊपर करके आपने देखा होगा ताल ठोकी जा रही है, ओए उद्धव ठाकरे, ओए संजय राउत, ओए अनिल देशमुख, आओ मुझसे बात करो, आओ मुझको इंटरव्यू दो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि कोई एंकर, कोई पत्रकार कहे, ओए नरेंद्र मोदी, हे अमित शाह, हे राजनाथ सिंह। तो ये जो निरंकुशता है ना, ये नियो एब्सोल्यूटिज्म है, नव निरंकुशवाद है, और इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी अगर हम सजग नहीं हो जाते। इसलिए शुरुआत में मैंने कहा हाउ डेमोक्रेसी इज डाई। खैर, अब बात करते हैं कि डिबेट्स में उनके द्वारा कौन से मुद्दे उठाए गए। पहला, कब तक आएगी कोरोना की वैक्सीन? दूसरा, किसान परेशान हैं या राजनीति परेशान कर रही है? तीसरा, क्या देश में सुशांत, रिया, कंगना से बड़ा सियासी मुद्दा नहीं? चौथा, फौज चाइना से लड़े, हम मुंबई की महाभारत देखें? और पांचवा, क्या अब राजनीति में विरोध का जवाब बुलडोजर है? संदीप ने इस बार भी अपनी डिबेट्स के जरिए किसान का मुद्दा उठाया। हरियाणा में सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने पर संदीप ने BJP नेता से सवाल किए और जवाब मांगे। तो किसानों पर लाठियां चलेंगी विरोध करेंगे तो? छज्जा तोड़ने पर देश में बवाल हो जाएगा, किसान की हड्डियां तोड़ने पर चुप्पी साधी जाएगी। चौधरी साहब, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किसी भी वजहों से कर रहे हैं, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से क्यों ना जुड़े हों, चाहे वो आड़ती हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हों, हो सकता है उसमें कुछ किसान भी हों। अगर किसी के खिलाफ कुछ किसान हो, आप कह रहे हैं राजनीतिक प्रदर्शन हो रहा है, ये किसान नहीं है, राजनीतिक दल के नेता खड़े हैं वहां पर। सबको अधिकार है अपनी बात रखने का और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी परमिशन भी दी है। देखिए, सोचने की बात यह है, किसान तो प्रदर्शन कर नहीं सकता इस अध्यादेश को लेकर के। अच्छा, किसान नहीं कर सकता, ये किसान नहीं है, देशी अध्यादेश है, वो किसान कैसे प्रदर्शन कर सकता है? अच्छा, कैसे कर सकता है? आप ही के सांसद धर्मवीर और ब्रजेंद्र कहते हैं कि नहीं, ये नाइंसाफी हुई है।
गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, बावजूद उसके आपकी पुलिस बेलगाम हो गई है, ये तो और बुरी हालत हो गई। इस तरीके मतलब पुलिस बेलगाम है। अब बात करते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल्स के कुछ पॉपुलर एंकर्स की। पहले बात करते हैं अर्नब की और जानेंगे उन्होंने किन मुद्दों को अपनी डिबेट में अहमियत दी। पहला, सेना को अर्नब की दो टोक, डरेंगे नहीं, हक के लिए लड़ते रहेंगे। दूसरा, कंगना केस की तरह तेजी सुशांत के केस में क्यों नहीं दिखी। तीसरा, कंगना को सच बोलने की सजा। चौथा, नहीं बचेंगे सुशांत के कातिल। और पांचवा, रिया का बदला कंगना रनौत से। अर्नब ने अपने डिबेट में ना ही बढ़ती बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, किसान और कोरोना के मुद्दों पर बात की और ना ही इसका कोई जिक्र किया। अर्नब ने शिवसेना सरकार द्वारा कंगना के ऑफिस तोड़े जाने पर उद्धव सरकार को खेरते नजर आए। बर्बाद हो जाएगा उद्धव ठाकरे, चूर चूर हो जाएगा उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी। आज मुंबई के लोग कह रहे हैं कि उद्धव के अंदर तो हिम्मत ही नहीं है। एक्चुअली हिम्मत नहीं है। अरे जो आदमी संजय राउत जैसे एक आदमी के इशारे पर चलता है, उद्धव ठाकरे संजय राउत के इशारे पे चलने वाले आदमी है, उसके अंदर हिम्मत कैसे हो सकती है? हिम्मत है ही नहीं। ये ऐसे आदमी है उद्धव ठाकरे जी कि आपके घर में अगर कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी खुल जाए ना तो आपको आवाज सुनकर आप डर जाएंगे कि यह बंदूक कहां से चले। बुरा ना माने, मुझे तो ऐसा लगता है, समझे ना। आदित्य के बारे में नहीं बोल रहा, टेंशन ना ले। अब बात करते हैं न्यूज 18 इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार रमेश देवगन की और जानेंगे कि उन्होंने किन मुद्दों पर अपनी डिबेट्स की। पहला, उद्धव वर्सेस कंगना की लड़ाई सोनिया गांधी तक आई, कंगना का घर तोड़ा, दाऊद का क्यों छोड़ा। दूसरा, शेर पर सवा शेर, कंगना रनौत को गाली, रिया चक्रवर्ती को ताली क्यों। तीसरा, कंगना के अंगना पर महाराष्ट्र सरकार, बीएमसी का फासीवाद वाला बुलडोजर। चौथा, बॉलीवुड से 25 बड़े नामों का खुलासा, कंगना पर शिवसेना का बदलापुर। और पांचवा, ड्रग्स दुबई और डील, कंगना को गाली, जांच में क्यों था हाथ खाली। अमीश देवगन अक्सर अपने डिबेट में विपक्ष को ही टारगेट करते हैं, इस बार भी कंगना के मुद्दे पर अपनी सारी डिबेट्स की उन्होंने और बाकी मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया। आज कंगना वर्सेस उद्धव सरकार के महायुद्ध में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद की एंट्री हो गई, क्योंकि मुंबई में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम की एक अवैध बिल्डिंग है, इसे गिराने का फैसला हो चुका है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिसंबर 2019 में आदेश दिया कि यह बिल्डिंग गिरा दी जाए, लेकिन यह बिल्डिंग आज भी वहीं खड़ी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 महीने पहले फिर पूछा कि यह बिल्डिंग क्यों नहीं गिराई गई, तो कहा गया कि कोरोना के चलते कर्मचारियों की भारी कमी है, लेकिन कंगना के ऑफिस तोड़ने के लिए 24 घंटे में कर्मचारी भी मिल गए, फावड़ा भी मिल गया, बुलडोजर भी आ गया। मैं पूछता हूं कि कंगना का ऑफिस तो तोड़ दिया, आतंकी दाऊद की इमारत कब तोड़ी जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कंगना का घर तोड़ा, दाऊद को क्यों छोड़ा? आज का आर पार वाकई ऐतिहासिक होगा। कंगना, रिया, सुशांत के अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिन पर मीडिया ध्यान नहीं दे रहा या देना ही नहीं चाहता, लेकिन हम आपको देश में चल रहे बाकी मुद्दों के बारे में लगातार बताते ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।